हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था और तब से इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। दरअसल हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क, जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। ये भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। तो आइए जानते हैं अब हिंदी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। हिंदी चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश के बाद विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप है, जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार पहली बार 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। भारत का संविधान अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1977 में वैश्विक स्तर पर हिंदी में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को संबोधित किया था। उस वक्त वे विदेश मंत्री थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। दोस्तों, हर साल 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस और क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।